Hello children, welcome to us education. Aaj hum kar rahe hain chapter Amalgamation of Peace and Non-Violence. Social Science Book, Semester 2, Grade 6 se. Amalgamation ka matlab hota hai, kisi cheez ko combine karna, jodna, unite karna. Yahan hum baat kar rahe hain combination of peace and non-violence, yani shanti aur ahimsa ki. Niyati was watching television and while watching one of those channels, she saw a program in which people were talking in different languages and were wearing red color clothes. Niyati jab TV dekh rahi thi, us time pe usne kisi channel mein ek program dekha jisme log jo hain wo alag alag bhasha mein baat kar rahe the, saath hi lal color ke kapde pehne hue the. Those people look like saints, so she asked her father, who are these saints? Ab wo jo log the wo dekhne mein sadhu ki tarah lag rahe the, to usne apne father se pucha ki ye sadhu log kaun hain. Her father replied, these saints are known as lama. इन सेंट्स को हम लामा कहते हैं. दे आर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म. नियति वांटेड टू नो मोर अबाउट देम. और ये लोग जो हैं बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, तो नियति जो है उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी. बुद्धिज्म एज अ रिलीजन ओरिजिनेटेड अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स अगो. अब बुद्धिज्म का जो ओरिजिन है वो लगभग 2500 साल पहले हुआ था. दिस रिलीजन वॉज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध एंड दस वॉज नोन एज बुद्धिज्म. अब क्योंकि ये जो रिलीजन है ये गौतम बुद्ध की टीचिंग्स पर बेस्ड है, इसलिए इसको नाम मिला बुद्धिज्म का. He was born in Lumni near Kapilavastu and was named Siddharth. अब गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलावस्तु के पास जो कि नेपाल में है, और इनका नाम जो है सिद्धार्थ था. His father's name was Suddhodan and mother's name was माया देवी. फादर का नाम इनके सुद्धोधन था और मदर का नाम माया देवी. Siddharth got married to a beautiful princess Yashodhara and has a son named Rahul. इनकी जो शादी हुई थी वो एक बहुत खूबसूरत सी राजकुमारी यशोधरा से हुई थी और इनके लड़के का नाम राहुल था. Siddharth was a Kshatriya from a Shakya clan, a small जन राज्य. एक छोटा सा जन राज्य था, यानी एक रिपब्लिकन स्टेट था, और सिद्धार्थ जो है एक क्षत्रिय थे शाक्य क्लैन से. क्षत्रिय का मतलब होता है वो लोग जो वॉरियर्स होते हैं, अपने जो प्लेस होती है उसकी रक्षा करते हैं. इन हिज यूथ ही डिसाइडेड टू लीव हिज होम एंड फैमिली टू बिकम एन एस्केटिक. अब क्योंकि यंग एज में ही इन्होंने अपना डिसीजन लिया कि ये घर छोड़ दिया, इन्होंने परिवार छोड़ दिया और जो है तपस्वी बनने चले गए. प्रिंस सिद्धार्थ रिनाउंसिएशन ऑफ होम इज नोन एज महाभिनिक्षक्रमण. जो इनका प्रिंस सिद्धार्थ का त्याग था अपने घर का, उसको जो है महाभिनी शक्रमण बोलते हैं. ही वॉन्टेड टू सीक फॉर ट्रुथ, अटेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ. इनकी क्या इच्छा थी कि ये सत्य को जानना चाहते थे, ज्ञान हासिल करना चाहते थे और जिंदगी का क्या मतलब होता है उसे समझना चाहते थे. ही फेल्ट दैट द वर्ल्ड इज एन ओशन ऑफ सोरो एंड वॉन्टेड टू अपलिफ्ट द लाइफ ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स बाई इराडिकेटिंग ऑल द वर्ल्डली मिजरीज. इनको क्या लगा कि जो दुनिया है वो एक ऐसा महासागर है जो दुखों से भरा हुआ है, और इनका पर्पस क्या था कि ये जिंदगी को, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जिंदगी को सबको ऊपर उठाना चाहते थे. कैसे? कि दुनिया के सारे जो दुख तकलीफ हैं उनको खत्म करके. दिस वॉज द एज वेन पीपल वर एक्सपीरियंसिंग रेडिकल चेंजेस इन द सोसाइटी. ये वो दौर था जब लोग जो है काफी ज्यादा बदलाव महसूस कर रहे थे जो समाज है उसके अंदर. कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड एंड द पावर ऑफ द ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड. अब कास्ट सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था और जो ब्राह्मण्स थे उनकी भी जो है ताकत काफी बढ़ती जा रही थी. पीपल रिजेंटेड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट बाय द अपर कास्ट एंड फेल्ट द नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ. लोग जो है ये अपर कास्ट वाले लोग थे, उनका जो एक तरह से भेदभाव हो रहा था लोअर कास्ट के लोगों के साथ, उसका विरोध कर रहे थे और जरूरत महसूस कर रहे थे कि उनको भी पता चलना चाहिए कि जिंदगी का असली मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है. दे क्वेश्चन्ड एग्जिस्टिंग रिलीजन एंड फेल्ट द नीड्स ऑफ अ डिफरेंट सेट ऑफ बिलीफ. जो भी उस समय के धर्म थे उस पर सवाल उठ रहे थे और जरूरत महसूस हो रही थी कि कुछ और भी ऐसी चीज है जिस पे फेथ करी जा सकती है. Many republics become more powerful and villages developed as cities. बहुत सारे republics जो थे अब वो ताकत में आते जा रहे थे, गांव जो है वो शहर की तरह develop हो रहे थे. With prosperity around came a sense of disquiet and material wealth did not necessarily bring happiness. अब संपन्नता तो हर तरफ थी, लेकिन कहीं लोगों को महसूस हो रहा था कि ये जो materialistic wealth है इससे भी जो है एक खुशी नहीं मिल रही.
ड्यूरिंग दिस टाइम गौतम ट्रेवल टू मेनी प्लेसेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ। अब इसी दौरान जो गौतम बुद्ध थे वो भी कई जगहों पर घूम रहे थे सच की तलाश में। ही मेट मेनी फिलोसोफर्स एंड डिस्कस द मीनिंग ऑफ लाइफ। उन्होंने कई विद्वानों से मिले और जिंदगी का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करी, उससे डिस्कशन किया उससे रिलेटेड। ही डीपली स्टडीड योगा एंड वेंट थ्रू ग्रेट पेनेंस टू अटेन नॉलेज बट फेल्ड टू गेट पीस ऑफ माइंड। उन्होंने योगा काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी, उसकी बहुत प्रायश्चित किया ताकि किसी तरीके से जो ज्ञान है वो हासिल कर लें, लेकिन कहीं उन्हें जो है शांति नहीं मिल रही थी। फाइनली ही अटेन नॉलेज ऑन बैशाखी पूनम वेर ही सेट अंडर अ पीपल ट्री टू मेडिटेट। फाइनली उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो वैशाखी पूनम के दिन हुआ जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान लगाने के लिए। ही वॉज 36 ईयर्स ओल्ड एंड फ्रॉम देन ऑन ही वॉज नोन एज गौतम बुद्ध। उस समय उनकी उम्र जो है वो 36 ईयर्स थी और वो जो है फिर उस दिन के बाद से गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लग गए। सिंस देन दैट प्लेस केम टू बी नोन एज बोध गया और उस जगह को बोध गया का नाम दे दिया गया। इट इज इन बिहार, बिहार में है वो। ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ एंड ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर मेनी ईयर्स टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स। उन्होंने अपनी जो पहले उपदेश दिए वो सारनाथ पे दिए और फिर वो जगह जगह घूमकर जो है कई सालों तक अपनी जो टीचिंग्स थी उनको और लोगों को बताते रहे। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनगर इन बिहार और उनकी जो डेथ थी वो 80 साल की उम्र में कुशीनगर बिहार में हुई। प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा। गौतम बुद्धा प्रीच्ड इन प्राकृत लैंग्वेज विच वॉज इजिली अंडरस्टूड बाय द रिलीजियस कॉमन पीपल। जो भी आम जनता थी, धार्मिक जनता थी, उसको जो भाषा समझ में आती थी वो प्राकृत थी और गौतम बुद्ध ने अपनी सारी टीचिंग्स उसी ही भाषा में करी। हिज टीचिंग्स वॉज फॉर द एंटायर ह्यूमन काइंड एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज फॉलोइंग। उनकी जो टीचिंग्स थी वो ज़्यादातर सभी के लिए थी, सारी मानवता के लिए थी और इसी वजह से उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बनते जा रहे थे। ही प्रीच अहिंसा और नॉन वायलेंस, स्पोक अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड एनकरेज टॉलरेंस अमंग पीपल। उन्होंने अहिंसा को ज़्यादा जोर दिया, ये बोला कि और कास्ट सिस्टम जो है उनके खिलाफ बात करी, साथ ही साथ उन्होंने लोगों को एक दूसरे के प्रति सहनशील होने के लिए भी प्रोत्साहन दिया। ही आस्क्ड पीपल टू परफॉर्म गुड डीड्स एंड बी काइंड टू अदर्स। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम अच्छे कर्म करो और दूसरों के प्रति दया रखो। गौतम बुद्ध एक्सप्लेन फोर नोबल ट्रूथ्स विच कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग्स दे आर। अब गौतम बुद्ध ने जो मेनली चार नोबल ट्रूथ्स बताए जो उनकी एक तरह से सारी टीचिंग्स का निचोड़ है वो क्या है। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। जिंदगी दुख से भरी हुई है। दिस सफरिंग हैज अ कॉज और इस दुखों का एक कारण है। द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। इस दुख का कारण क्या है? इच्छा। गेटिंग रिड ऑफ डिजायर्स विल लीड टू पीस। अगर तुम इच्छा ही नहीं रखोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारे मन में जो है वो शांति आएगी। बुद्धिज्म बिकम पॉपुलर एंड वाइडली फॉलोड रिलीजन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान एक्सेट्रा। तो बुद्धिज्म जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। खाली ऐसा धर्म था जो इंडिया में ही नहीं फॉलो किया जा रहा था बल्कि जो दुनिया के अलग अलग हिस्से जैसे श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान, वहाँ पर भी जो है बुद्धिज्म को माना जा रहा था।